नमस्कार, मैं हूँ कार्तिकेय खेत्रपाल और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका नई धारा के इस विशेष कार्यक्रम में जो कबीर दास जी के काव्य और साहित्य को समर्पित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कबीर न सिर्फ हिंदी भाषा के एक महान कवि और साहित्यकार हैं, बल्कि भक्ति आंदोलन के सबसे बुलंद आवाजों में से एक हैं और एक ऐसे विचारक और दार्शनिक हैं जिनकी सहज और सटीक वाणी आज भी भारतीय जनमानस के दिलों में बसी हुई है। एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना आसान काम नहीं है और ऐसा वही कर सकता है जिसने ना सिर्फ कबीर के मर्म को समझा हो बल्कि उन्हें जिया हो। यदि आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति है तो वह हैं शबनम बिरमानी जी। शबनम जी एक फिल्म मेकर, गायिका और लेखिका के तौर पर जानी जाती हैं और लंबे समय से कबीर की वाणी और विचारों को कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही हैं। उन्होंने अपनी पहल द कबीर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कबीर के विभिन्न पहलुओं पर 4 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और अजब शहर नाम का उनका एक खूबसूरत वेब आर्काइव है जहां भक्ति, सूफी और बाउल परंपराओं की कविताएं आपको मिलेंगी और उन कविताओं का एक पूरा जखीरा, एक खजाना आपका इंतजार कर रहा है। तो अगर आपने उनकी फिल्में या उनका आर्काइव अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरूर उसे देखें। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं शबनम जी को आमंत्रित करूंगा दो ऐसे शेरों के साथ जो मुझे लगता है उनके और कबीर के रिश्ते को बहुत अच्छे से समराइज करते हैं। हम में तुम और तुम में हम गुम हो गए, होते होते एक हम तुम हो गए, बन गए वो मंजिले मखदूम मकसूद आप, बन गए वो मंजिले मकसूद आप जो तलाशे यार में गुम हो गए। तो शबनम जी कबीर की जुस्तजू में, कबीर की तलाश में ऐसी गुम हुई हैं कि वो खुद कबीर के चाहने वालों के लिए अब एक मकाम, एक लक्ष्य बन गई हैं और हमें बहुत खुशी है कि वो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं क्योंकि हम अपने आप को कबीर के चाहने वालों में गिनते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है जमनन जी आपका। बहुत खुशी है हमें थैंक कि आज आप हमारे साथ हैं। यू। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय, मुझे ये एक तरह से मौका देने के लिए कि आप सबके समक्ष में कुछ ख्याल, कुछ भजन, कुछ वीडियो के अंश और कुछ बातें बांट सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। जी तो दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति में शबनम जी सीधे आपके साथ जुड़ेंगी और कबीर से अपने निजी रिश्ते के बारे में, उन्होंने कबीर को कैसे जाना, कैसे समझा और अपने काम के जरिए कार्तिकेय उनकी वाणी को, उनके गीतों को कैसे संजोया, इन सब पहलुओं पर वो बात करेंगी। तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन मैं आपसे ये कहते हुए जाऊँगा कि शबनम जी से अगर आपके कोई सवाल हैं उनकी बातचीत के दौरान, आपके जहन में कोई सवाल आते हैं तो आप उसे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और प्रोग्राम के अंत में हम वो सवाल शबनम जी तक पहुंचाएंगे। जी शबनम जी, शायद आप कुछ कह रही थी। हाँ जी, शायद कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम थी, मुझे लगा आई हैव स्टार्टेड। मैं फिर कहती हूँ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए, आप सबके साथ कुछ ख्याल बांटने के लिए। एक तरह से मैं कार्तिकेय से कह रही थी कि आपने जो मेरा पीछा किया इस टॉक के लिए कुछ महीनों तक, थैंक यू फॉर दैट। और उसमें आपने जो ईमेल में मुझे कुछ सवाल भेजे और कुछ बातें रखी, दरअसल ये आज जो भी मैं प्रस्तुत करूंगी आपके ईमेल पे आधारित है और आपके एक तरह से ईमेल से प्रेरित भी है और मैं बताऊंगी क्यों। आपने मुझे कुछ सवाल पूछे हैं जिनका मैं जवाब दूंगी। आपने कहा आप अपने निजी सफर की बात करें, कबीर की खोज की बात करें, कैसे शुरुआत हुई, क्यों मैं गांव के लोक कलाकारों के बीच कबीर को ढूंढने गई और एक तरह से आज कबीर इन इन अनेक कबीरों की भेंट लेते हुए आज मेरे मन में कबीर की यदि कोई प्रतिमा है तो वो क्या है। तो एक तरह से जब मैं सोचने बैठी कि इन सब मुद्दों पर अगर मैं कुछ कहूं
तो तीन शब्द उभरे जिनके इर्द गिर्द मेरी बातें रहेंगी, जो कि मेरे ख्याल से कबीर के लिए बहुत अहम है। एक तो है राम, दूसरे हैं शब्द या शब्द, और तीसरा जम यानी मृत्यु। तो इन तीन मुद्दों पर कुछ बातें होंगी, कुछ भजन होंगे, कुछ प्रस्तुति होगी। पर आपकी ईमेल से मैं इसलिए भी प्रेरित हुई क्योंकि आपने एक बहुत सुंदर बात रखी उस ईमेल में। आपने कहा कि आप अजब शहर डिजिटल आर्काइव जो हमने बनाई है उसमें जब आप घूमते हैं तब आपको लगता है कि इस कार्य को, इस काम को डॉक्यूमेंटेशन कहना थोड़ा सा नीरस सा शब्द है, दस्तावेजीकरण। और आपने सुझाया मुझे, एंड थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज ये शब्द मेरे एक तरह से बहुत जहन में नहीं था और अब बन चुका है, संजोवना। आपने कहा ये मुझे एक ऐसा कार्य लगता है जहां आपने कबीर के शब्दों को संजोया है। तो धुंधला सा तो मुझे आइडिया था संजोने का अर्थ क्या है, लेकिन मैं फिर डिक्शनरी में भी गई इसको पूरी तरह से समझने के लिए, और इसलिए मैं थोड़ी प्रेरित भी हुई कि मैं इस शीर्षक का इस टॉक का शीर्षक शब्द का संजोवना दूं, क्योंकि संजोने में भाव है। और ये जाहिर बात है कि कबीर प्रोजेक्ट की हमारी बहुत ही छोटी सी जो टीम है, इतने सालों में हमने हर अपलोड में इतना प्यार भरा है। एवरी अपलोड इज एन एक्ट ऑफ लव, एक तरह से ये केवल बटोरना और जुटाने का काम नहीं रहा है ये आर्काइव बनाना, लेकिन जैसे संजोने अर्थ में व्यक्त होता है, इसको संवारने का, सुसज्जित करने का, सजाने का काम हुआ है। बहुत प्रीत से किसी चीज को जब हम परोसते हैं प्रेक्षकों के लिए, तो वो भाव के साथ ये अजब शहर का निर्माण हुआ है जो मेरे ख्याल से संजोवना शब्द में आता है। और संजोने का एक और अर्थ जो ट्रांसलेशंस में आया वो ये था, नॉट ओनली टू चेरिश एंड ट्रेजर बट आल्सो टू एनश्राइन। एक तरह से जब आप किसी चीज को श्रद्धा के योग्य मानते हैं तब आप उसको एक सेक्रेट स्पेस में स्थापित करते हैं, एक सेक्रेट स्पेस, एक मंदिर, एक देवस्थल। तो एक तरह से दैट इज ट्रू फॉर द रेवरेंस वी ब्रिंग टू द शब्द, टू द बाण। पर अगर इसमें थोड़ा और सोचें तो इसमें एक और बहुत सुंदर गहराई नजर आती है, वो ये कि व्हाट इज द डियटी, इष्ट हमारा क्या है इसमें शब्द। शब्द यानी नॉट जस्ट द वर्ड, वो तो आप सब समझ रहे होंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट भाषा के शब्द। हम शब्द से हमारा अर्थ है वो धुन, वो नाद, वो भजन, जहां एक तरह से काव्य और संगीत का समावेश भी होता है और एक शब्द उठता है, एक अ सॉन्ग, द डिफरेंस बिटवीन अ पोएम एंड अ सॉन्ग। और शब्द से कबीर का और भी गूढ़ इशारा है, एक तरह से उनकी तरफ से ये आग्रह आता है कि हम शब्द में अपना कॉन्शियसनेस, अपना ध्यान मिलाएं। और वो क्या है शब्द, वो एक अल्टीमेट रियलिटी की ओर उनका इशारा है, जिसके बारे में किसी छिछले लेवल पे मैं बात नहीं करना चाहूंगी। पर सो व्हाट इज द डीएटी, द डीएटी इज द शब्द। और फिर अगर हम थोड़ा और आगे सोचें तो इसको हम कौन से देवस्थल में स्थापित करते हैं। शब्द का देवस्थल ये शरीर है जी, जो कि भक्ति आंदोलन के सभी निर्गुण और सूफी संतों ने हमें हमेशा ये इशारा दिया है कि दरअसल तीर्थ स्थान ये है आपका खुद का, द सेल्फ, द बॉडी सेल्फ। तो ये शरीर एक तरह से इस शब्द का देवस्थल है, यहाँ वो गूंजता है, और एंड दिस इज द साइट ऑफ रेवरेंस इन अ सेंस, दिस इज, ये है वो मंदिर जिसमें बाबा बुल्ले शाह भी कहते हैं
तू मंदिर मसीती वड़िया कदी दिल अपने विच वड़िया ना, दिल अपने विच वड़िया नहीं, तो वो बात भी इसमें झलकती है। और दूसरा शब्द का संजोवना मैं कह सकती थी, लेकिन मैंने शीर्षक में शब्द का संजोवना इसलिए भी कहा क्योंकि इससे भी एक मैं इशारा करना चाह रही थी कि अजब शहर और एक तरह से मेरे पूरे 20 सालों के सफर का का कि कार्य भूमि क्या रही है, वो शहर नहीं रही है, वो शुद्ध हिंदी के दायरों में बिल्कुल नहीं रही है, वो उसका दायरा रहा है हमारे देश में विविधता भरी बोलियों के के बीच, जिन्हें हम कभी कभार एक तरह से अशुद्ध मानते हैं या अपभ्रंश कहते हैं, देश को यदि देश कहा जाए या शब्द को शब्द कहा जाए, तो एक तरह से ये हमारी देश की बोलियों में घिस के शब्द शब्द बनता है। तो यहाँ इशारा है देसी से, जमीन से जुड़ी बातों से, मार्गी से नहीं, यहाँ इशारा है उस लोक से, शास्त्रीय से नहीं। और एक तरह से हमारा इशारा है अशुद्धता की का उत्सव मनाने की ओर। मैं तो यहां तक कहूंगी कि शुद्धता एक बहुत प्रॉब्लमैटिक प्रोजेक्ट है। शुद्धता के ऑल्टर पे हम दायरे बनाते हैं, बहुत ही पीड़ादायक दायरे और सरहदें जो कि असहज हैं, क्योंकि वास्तविकता हमेशा मिश्रित है। देर आर नो साइलो, देर आर नो कंपार्टमेंट्स, और सब चीजें एक दूसरे के बीच में हर दम मिलती घुलती रहती हैं। कोई शुद्धता नहीं है जिंदगी में। तो एक तरह से जब हम कबीर के शब्द के बीच जाते हैं, सुनते हैं उन्हें, हमें बोलियों का मिश्रण सुनाई देता है। किसी अगर हम गुजरात में कबीर का भजन सुन रहे हैं तो उसमें कहीं कहीं गुजराती शब्द भी आपको सुनाई पड़ेंगे, मारवाड़ में भी, मालवी में, ये अनेक जो बोलियां हैं। और लोक परंपरा में कोई सम्मान नहीं दिया जाता शुद्धता को, और एक तरह से इट इज इरेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट ये जानना कि ये प्रामाणिक पद है और ये केवल कबीर का पद है और ये कबीर की बानी नहीं है, ये तो गुरु नानक की बानी है, उनको पढ़ी नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य है एक अनुभूति जो इन सब नामों से परे है, कि बियॉन्ड है। उनका लक्ष्य एक्चुअली इज द मून, नॉट द फिंगर पॉइंटिंग टू द मून, राइट? तो हम ये फिंगर पॉइंटिंग टू द मून वाले झगड़ों में जो पढ़ते रहते हैं, उनसे कहीं आगे ये लोक परंपरा ने एक मर्म समझ लिया, जो हम एक्सेसिवली एजुकेटेड लोग बहुत मुश्किल से समझते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत भाजनकारी दिमाग होता है, हमको लेबल्स बहुत पसंद है। तो एनीवे, दैट इज व्हाई शब्द का संजोवना। तो मुझे बहुत मजा आया ये शीर्षक, टू अराइव इन टू दिस शीर्षक आफ्टर रिसीविंग योर मेल, सो थैंक यू कार्तिकेय फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खूबसूरत जो आपने भूमिका बांधी है, उसके बाद मुझे लगता है कि हम सबकी उत्सुकता और भी बढ़ गई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अभी फिलहाल के लिए आपसे इजाजत लूंगा और मैं अंत में दोबारा लौटूंगा ऑडियंस के कुछ सवालों के साथ। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। तो कार्तिकेय का सबसे पहला सवाल मेरे लिए ये था कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, और कबीर की मुलाकात सरप्राइजिंगली हिंदी पाठ्यक्रम में नहीं हुई। मुझे कोई याद नहीं है कि कोई दोहे मैंने पढ़े या हिंदी के एग्जाम पास करने के लिए सीखे। और एक तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ कि इन माय ट्वेंटीज जब मैंने कुमार गंधर्व की आवाज़ में कबीर सुना, तब चोट गायकी की लगी मुझे, कुमार गंधर्व की आवाज़ की लगी,
कबीर की इतनी नहीं लगी, शायद मेरी तैयारी नहीं थी। तो दरअसल कबीर के साथ ठोस मुलाकात मेरी बहुत लेट हुई मेरी जिंदगी में। 2002 में मैं उस वक्त कबीर को, जब कबीर की आवाज़ मेरे जहन में उतरी, वो 2002 गोधरा कांड के पश्चात जो गुजरात में माहौल बन चुका था, मैं अहमदाबाद में रहती थी और मेरे इर्द गिर्द जो एक तरह से नफरत का माहौल उभरा और एक छूट, बहुत खुलेआम छूट लोगों को मिली कि वो दूसरी कौम के प्रति नफरत व्यक्त करने की छूट महसूस कर रहे थे और व्यक्त ही नहीं कर रहे थे, हिंसा भी हो रही थी। तो उस वक्त कबीर की आवाज़, साधो देखो जग बौराना, हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना, आपस में दऊ लड़त मरत हैं, मरहम कोई नहीं जाना। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड आउट टू मी। और इमीडिएटली जिस प्रकार के कबीर मुझे आकर्षित करने लगे, वो ये कबीर थे जिनकी आवाज़ में एक कटाक्ष था, एक व्यंग था, एक तमाचा देने की शक्ति और साथ साथ में आपका मजाक भी उड़ाने की शक्ति, अ विट, अ ह्यूमर, और एक बाहरी धार्मिकता और पाखंड को तीखी आलोचना करने वाले कबीर, ये कबीर मुझे बहुत आकर्षित करने लगे। जैसे कबीर खुद अपनी आवाज में कहते हैं, कटुक वचन कबीर के सुनते आग लग जाए, सूरा होए सो मगन भया, कायर भाग्या जाए। सो यू नो दिस वॉज द कबीर दैट अपील टू मी, दैट ड्रू मी। और बाहरी छिछली धार्मिकता, पंडितों की, काजियों की, मुल्लाओं की, या जैसे धार्मिक लोग सर मुंडाते हैं बार बार, तो उनके लिए कबीर वुड से समथिंग लाइक, केसन का बिगाड़िया जे मुंडे सौ बार, मन के काहे ना मुंडिए या में विषय विकार। तो ये बात मुझे बहुत सुंदर लगती थी, आई वॉज वेरी ड्रॉन टू दिस। या तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सहजे सिद्धि पाइए जे मन जोगी होए। तो एक तरह से ये कबीर बहुत सरलता से उतरे जहन में, लेकिन साथ साथ में एक और भी कबीर थे जिनमें एक तरह से एक रहस्य था। उनकी बातें मुझे बहुत ही आसानी से नहीं समझ आई, इसमें कुछ भेद था। कुछ अक्सर उनके भजनों या शब्दों के अंत में बात आती शब्द की, शब्द लखे सो तिरिया, यानी जिसने शब्द को पहचान लिया वो तिर गया, या शब्द में सुरत समाई के इस नाद, इस शब्द में आपकी सुरता, आपका ध्यान समाने की जो बात थी, या इंगला पिंगला सुखमना जोया त्रिकुटी शब्द निशानी। तो बार बार ये शब्द का उल्लेख, और इन मिस्टीरियस वेज, कभी कभी तन भर ताला शब्द भर कुंजी, मुरे सतगुरु खोल बताया जी। तो ये क्या है ये ताला, ताले और गांठे तो बहुत हैं, लेकिन ये क्या कुंजी है, शब्द कैसे कुंजी है, ये इस ताले को कैसे खोलेगी, इसके प्रति एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा, एक प्यास उभरने लगी कि ये क्या कह रहे हैं। और एक तरह से कबीर की तरफ से न्योता था, बहुत क्लियरली मुझे एक फीलिंग है कि आई वॉज बीइंग इनवाइटेड ऑन अ जर्नी। एक न्योता था कि आपको ये आसानी से नहीं मिलेंगे अर्थ,
आपको अपने जीवन के अनुभवों को इस काव्य के तराजू में डाल के कुछ हासिल होगा, और ये जल्दी झटपट मिलने वाली बातें नहीं हैं। तो धैर्य के साथ आप एक निकल पड़े इस सफर पे, और एक तरह से इसमें लीन होने का न्योता था, इसमें रंगने का न्योता था, इसको केवल समझने नहीं लेकिन इसको गुनने का न्योता था कबीर की ओर से। तो इस मन को कैसे मूंडा जाए और इस मन को योगी कैसे बनाया जाए, इसके जवाब इमीडिएटली मुझे नहीं नजर आ रहे थे, पर दैट इज व्हाट सेट इट ऑफ दीज जर्नीज। तो और स्वाभाविक है कि क्योंकि इसकी शुरुआत गोधरा कांड के पश्चात हुई, तो मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल था कि ये राम कौन है। जिस उग्र रूप में राम उस वक्त और आजकल तो और भी पेश किए जा रहे हैं हमारे संस्कृति में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, ये कौन है, इनके प्रति लोगों में इतनी श्रद्धा क्यों है, कबीर के राम फिर कौन है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अ स्मॉल क्लिप ऑफ द बिगिनिंग ऑफ वन ऑफ द फिल्म्स दैट आई मेड, हद अनहद, जिसमें ये सवाल उठाते हुए मैं इन सफरों में निकल चला। मेरा भाई नम रे नम रोग पकड़ो छोड़ो नी मुर्खाई, अरे नम रे नम रोग पकड़ो छोड़ो नी मुर्खाई। चला मेरा भाई मगन वे चला मेरा भाई नम रे नम रोग लोर पकड़ो छोड़ो नी मुर्खाई, अरे नम रे नम रोग लोर पकड़ो छोड़ो नी मुर्खाई। चला मेरा भाई मगन वे चला मेरा भाई नम रे नम रोग लोर पकड़ो छोड़ो नी मुर्खाई, अरे राम रे राम रो के लोर पकड़ो छोड़ो नी दम दाए। तेल तो करू जी दूध जमाए बचे का ना दोई, तेल तो करू जी दूध जमाए बचे का ना दोई, बछड़ा वी कैन रिमूव द वीडियो नाउ। हाँ थैंक यू। तो ये
जो कविता है एक कबीर की, ये उस वक्त 2008 में जब ये फिल्म बनी तब मैंने इसको पिरोया इस फिल्म में, और एक तरह से ये पोएट्री की खूबी है कि ये काव्य आपके साथ रहता है, एक तरह से आपका संगी बन जाता है, और आपके जीवन में जैसे जैसे अनुभव अनफोल्ड होते हैं वही काव्य वही पद नए अर्थ आपको दिखाने लगता है। तो मेरे ख्याल से ये एक जो कविता है कबीर की, ये मेरे साथ एक साथी रही है। इट हैज़ नॉट एवर फेडेड, इट कंटिन्यूज टू कॉल आउट टू मी, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है इसमें बहुत लेयर्स हैं, और मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रही कि मैंने समझ ली, लेकिन मैं कुछ इन इस पे कुछ बातें रखना चाहूँगी। कबीर क्या हमसे पूछ रहे हैं? ये झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्धान। ये अनयूजुअल अनूठी कविता है कबीर की, जिसमें वो डायरेक्टली अयोध्या के राम से बात कर रहे हैं, राजा राम। यहाँ वो निर्गुण राम की बात नहीं कर रहे, डायरेक्टली एक कॉल है वो सगुण राम की ओर। झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो सुलझाए सो निर्धान। ब्रह्म बड़ो के जहां से आया, वेद बड़ा के जिन उपजाया। ई मन बड़ो के जे ही मन माना, राम बड़ो के राम ही जाना। भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरत उदास, तीरथ बड़ा के तीरथ का दास। तो मुझे लगता है कि ये जो एक किसी चीज को जानना और उसे पहचानना, इन दोनों में जो जमीन आसमान का फर्क है, किसी चीज को जानना और उसे पहचानना, इसको इस इन दोनों बीच में के बीच का जो सफर एक तरह से कबीर हमें यहाँ ला रहे हैं इस कविता के माध्यम से। ये एक सफर है किसी नाम, किसी आकार, किसी रूप, किसी सगुण आकार का, किसी चीज जिसको नाम दिया जा सके उसका, और दूसरी ओर एक निर्गुण तत्व का, एक अनुभूति का, एक अनुभव का, एक अकथ कथा का। और ये जो मूवमेंट है बिटवीन वो जो हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कह सकते हैं, और वो जो हम जानते हैं, और कभी कभार उसका जहन में केवल खामोशी से अनुभव किया जाता है और व्यक्त किया जाता है, ये जो मूवमेंट है, मेरे ख्याल से कबीर हमें बार बार इस इनडिटर्मिनेट लैंड, इस नो मैंस लैंड के बीच में ले आके खड़ा करते हैं, जो हाँ और ना के बीच का के दरमियान है। और ये है उनका तरीका हमें द्वंद्वों, और खास करके भाषा तो द्वंद और ड्यूअलिटी में जकड़ी हुई है, उससे कहीं और हमें ले जाने का। और ये ये मूवमेंट जो है, क्योंकि यहाँ कोई रेजोल्यूशन नहीं है, आप नोट करेंगे कि हर एक पंक्ति एक तरह से एक सवाल है, इसमें कोई डिसीजन नहीं है, निर्णय नहीं है कबीर की ओर से, हर पंक्ति इसमें एक सवाल है, क्योंकि निर्णय हाँ और ना के बीच का है। तो ये जो मूवमेंट है हद और अनहद की, इन दोनों के दरमियान राम की भक्ति होती है कबीर की व्याख्या में, और इसके प्रति सजग रहना हम सब के लिए शायद बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि हम
ना चाहते हुए भी बार बार किसी ना किसी द्वंद और दूरियों पैदा करने वाले वाली ड्यूअलिटी में पड़ जाते हैं, चाहे वो हद अनहद की ड्यूअलिटी हो, तो हम अनहद को अपना मानेंगे और हदों को छिछला मानेंगे, फिर हम निर्गुणी हो जाएंगे। तो ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी कि शुरुआती दौर में मैं जब जैसलमेर के गाँव में महेशाराम जी को मिलने गई और वहाँ की मेघवाल कम्युनिटी में जिस तरह से कबीर गाए जाते हैं उनके बीच बैठी उठी सुना गाया, तो मुझे ये बात उस वक्त थोड़ा सा खटकती थी कि जब वे निर्गुण कबीर का भजन गाते तो शुरुआत वो गणेश वंदना से करते या सरस्वती को इन्वोक करके फिर एक निर्गुण कबीर का भजन शुरू होता। तो ये जो द्वंद वाला दिमाग है उसको ये बात पसंद नहीं आती, या तो आप सगुण रहें या फिर आप निर्गुण रहें, ये बीच का मामला क्या है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि एक फोकलोरिस्ट हैं सीपी देवल, उन्होंने ये वाक्य कहा जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा। उन्होंने ये बात कही कि लोक भेद नहीं करता। और ये बात मैंने आज की प्रस्तुति में शुरू में भी कही थी कि ये जो तफावतें हैं, ये जो दायरे हम बनाते हैं, प्रॉब्लम यहीं से है। और ये दायरे सभी लोग बनाते हैं, सेक्युलरिस्ट्स आल्सो मेक देयर दायराज एंड रिलीजियस पीपल आल्सो मेक देयर दायराज। तो इनके प्रति सजग रहना कि हम कहाँ किसी चीज की अनुभूति जो बेनाम है उससे कहाँ हम हट के कहीं ना कहीं उसे किसी संकुचित दायरे में लाने का काम करते हैं, अपनी जिंदगी में, अपने पॉलिटिक्स में, अपने जीवन में, अपने कार्य काम में, अपने रिश्तों में। तो ये एक कंटिन्यूअस सजगता जो कबीर डिमांड करते हैं। कि आसान नहीं है कबीर के राम को पाना, की शोध करना। तो मैं एक तरह से इस बात को अब शब्द के रूप में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि शब्द में जब बात उतरती है तो मायने घुलने और बदलने से लगते हैं, और उस पे अब हम इसके बाद भी बात करेंगे। तो ये भजन है महेशाराम जी द्वारा सुना, और इसमें कबीर कह रहे हैं, थारो राम हृदय मई बाहर कहीं भटके, तुम्हारे राम दिल में है, तुम बाहर क्यों भटक रहे हो। लेकिन ये कैसे मिलेंगे? हर एक अंतरे में इशारा है कि ऐसे ऐसे हीरे जड़े हुए हैं इस तुम्हारे घट में, लेकिन तुम्हारे में वो जौहरी की नजर होनी चाहिए उन्हें परखने के लिए। ऐसी आग इस लकड़ी में है छिपी हुई, लेकिन तुम्हें इस लकड़ी को घिसना होगा उस आग को प्रकट होने के लिए। इस दूध में घृत छिपा है, इसको झोगोगे झोगिए बिना माखन कैसे निकले, कबीर कहते हैं। इसको मंथन करना होगा तभी कुछ मर्म, कुछ तत्व, कुछ ट्रूथ, कुछ इंसाइट विच इज मीनिंगफुल विल इमर्ज। तो भक्ति दोहेली राम की जस खांडे की धार, जे डोले तो कटी पड़े
निश्चल उतरे पार, खांडे की धार, ये वो सजगता की बात है। तो भक्ति दोहेली राम की, हाँ भक्ति दोहेली राम की, जैसे अग्नि की झाल, डकी पड़े तो उबरे दाधे कौतिक हार। डाकी पड़े यानी कूद पड़े, जो ज्वाला में कूद पड़े वो उबरे यानी बच गए, दाधे कौतिक हार, जल गए वो जो किनारे पे बस तमाशा देख रहे थे। तो भक्ति दोहेली राम की, ओ भक्ति दोहेली राम की, नहीं कायर को काम, शीश उतारे हाथ सो तब लेसी हरि का नाम। तो कबीर के राम को पाने की जो का जो दाम चुकाना पड़ता है वो काफी महंगा है, अपने सीस का, अपने सिर का, अपने अहम का, अपना, ऑल द लेबल्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, जिसमें हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उनको त्यागने की बात। हारो राम हृदय में
बाहिर क्यों भटकती, हारो राम हृदय में बाहिर क्यों भटकती। ऐसा ऐसा की बाढ़ तो ही बिल पे चलिया, ऐसा ऐसा की बाढ़ तो ही बिल पे चलिया। हाँ गुरु बिना ताला कौन खोले, हाँ गुरु बिना ताला कौन खोले, धारो राम हृदय में बाहिर क्यों भटके, धारो राम हृदय में बाहिर क्यों भटके। कहे वो कबीर सा सुनो भाई साधो, हाँ कहे वो कबीर सा सुनो मेरे साधो, थाने राम मिले थाने कौन अटके, हाँ राम से मर थारे कौन अटके, थारो राम हृदय में बाहिर क्यों भटके, थारो राम हृदय में बाहिर क्यों भटके, थारो राम हृदय में बाहिर क्यों भटके, थारो राम हृदय में बाहिर क्यों भटके। तो ये शब्द आपके साथ आपके लिए गा के एक तरह से आई कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ व्हाट आई वांट टू शेयर दिस इवनिंग व्हिच इज द आइडिया ऑफ शब्द। तो सबसे पहले तो ये मे बी आई थिंक आई विल स्टार्ट बाय इन ऑर्डर टू एंटर दिस होल एरिया ऑफ डिस्कशन फर्स्ट आई विल शो यू द नेक्स्ट वीडियो क्लिप विच दुलीचंद जी आप तो कब से गा रहे हैं कबीर? आखिरी जिंदगी की बात, आखिरी जिंदगी बिल्कुल छोटा सा था आप ढोल चलाते थे इस जत के हो जत का गाते 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 ये दिन हो गया। अच्छा हो शब्द से मेरे की जानकारी हुई और शब्द को मैं मानता हूँ और मैं वेद हमारा वेद है हम वेदन में नहीं बात खत्म। उस निर्मल को जानना है निर्लप जो निरालप उसको देखना है। आप भी आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि हमको देखना है पर ये बातें नहीं मिले असंभव अलिप्त तो, उसको निर्लेप बोल रहे हैं वो बोलने में थोड़ा उनको तकलीफ। हाँ अलिप्त तो, निर्लेप कहीं किसी से लिप्त नहीं जो सबसे अलग जो भौतिक जगत आपको दिखाई दे रहा है वो भौतिक जगत की बात नहीं है। अच्छा, यह आध्यात्म की बात जो है हम आपसे भी कहेंगे कि आप भले रिसर्च करने वाले हो या कुछ भी हो आप नहीं समझ पाएंगे आपका ज्ञान कहाँ तक है। तो हम इतना जानते हैं कि चाहे वो आप अंग्रेजी पढ़ी लिखी तो ऐसे जेड तक 26 अक्षरों में भरा पड़ा है। वो जो शब्द है जिसकी खोज है जिससे ये सारी सृष्टि की रचना हुई है या इस सृष्टि की रचना से पहले जो कुछ था वो अनिर्वचनीय था जिसको शब्दों में बोला नहीं जाता। तो अ से लेकर के ज्ञ तक के ज्ञान इन दोनों के बीच में क्या है? आगे से अ पढ़ते हो और पीछे से ज्ञ हो गया तो दोनों के बीच में क्या है? उस संधि को पहचानना, उस संधि को यदि आपने पहचान ली तो आपको स्वरूप ज्ञान होगा। मुझे आप उसको जानने के लिए कितने उत्सुक है कितने तत्व पे आप अपना क्या खो सकते हो? तो वो दुआ बोल दीजिए वो साकी बोल दीजिए
शीश उतारे भूई धरे बोलो ना उसको। आना कबीर पंथ में खाला का घर नाही, शीश काट भूई धरे जब बैठे घर माही। अब आप समझ लीजिए, हम आपसे कहें, इसी शब्दों का, इसी शब्दों को, तो हम आपसे कहें कि आप सिर काट के घर रख दीजिए धरती पर, तो आप उसको नहीं समझेंगे? ये सब पढ़ाई के माध्यम से बोल रहे हैं, जानकारी काहे की किताब से, और कुछ नहीं है, ये पढ़ सकते हैं, बाकी अनुभूति नहीं इनके अंदर, अनुभूति नहीं। अध्यात्म कुछ अलग है, नाद बिंद जो है ये बीज के बारे में। एक बात बताई दूंगा हूँ मारे तम तो है नहीं। जो तम मने कितना भी भटकी जाओ, एक बात बताई दूंगा आज मैं यो पलटो नहीं खा जाता खुद नहीं पड़े। हाँ भाई ज्ञान तो नरा हुई है, इसको पलटाना पड़ेगा, ये न्यू है इसको न्यू करना पड़ेगा, एक ही ज्ञान है ये। अब ये ज्ञान तो छोड़ दिया हमने, न्यू चले जा रही, इनमें नहीं लगा अब हम, हमारे तो उकीट लो है अब। मेरे ख्याल से मैं ये पर्टिकुलर एपिसोड आपको इसलिए दिखाना चाह रही थी क्योंकि एक तरह से ये मंच है जहाँ शब्द परंपरा से लेके अक्षर परंपरा, हाईली एजुकेटेड से लेके निरक्षर, पूरा स्पेक्ट्रम यहाँ इस डॉक्यूमेंट्री मोमेंट में उभरता है। यहाँ मैं हूँ शहर में पढ़ी लिखी, कॉन्वेंट एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग, शोध के लिए यहाँ गांव में आई हुई हूँ, और मेरी भेंट हो रही है काफी लोगों से, लेकिन मुख्य किरदार यहाँ दो हैं, एक धूली चंद जी जिनका इशारा और जिनका ज्ञान पूरी तरह से एक कॉन्फिडेंस के साथ उनकी शब्द परंपरा में से उभरा है, और दूसरी तरफ दूसरे गांव वाले हैं जो कि स्कूल टीचर हैं और जो काफी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड इन दी अक्षर सेंस, वो भी वही ज्ञान व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि ये किताबी ज्ञान है, वही ज्ञान। तो ज्ञान ज्ञान में भेद है, और वो ज्ञान चाहे मुख से कहा गया हो, दोनों ने हमें चोट किसकी पहुंची, हमें चोट पहुंचती है जब धूली चंद जी उस बात को व्यक्त करते हैं। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा, ज्ञान जानकारी नहीं एक अनुभूति है, ये पूरा क्लिप एक तरह से इस दिशा में जाता है। और जैसे कि सुखदेव सिंह जी ने एक बार कहा कि ये कबीर समझने की चीज नहीं है, कबीर तो गुणने की चीज है। तो ये तभी होगा जब, जैसे धूली चंद जी कहते हैं, इसको ऐसे करना, पलटाना पड़ेगा, तो उस एक जेस्चर में इतना कुछ व्यक्त हो गया। आपका मेरे प्रति ये सवाल था कि मेरे सफर में
कबीर की शोध में मैंने किस तरह से कबीर की पोएम जो हम किताबों में पढ़ते हैं कविता और इस शब्द परंपरा में जो कबीर मैंने पाए उनमें क्या अंतर है, क्या भेद है। तो सबसे पहले ये बात जाहिर है कि ग्रामीण परंपरा में कबीर के शब्द को कभी कविता या साहित्य नहीं कहा जाता, क्योंकि ये ग्रंथों की चीज नहीं है, ये एक शब्द है, एक इसमें मौखिकता ओरालिटी जुड़ी है, उसके बगैर वो उसका अस्तित्व नहीं है। तो मेरे ख्याल से मेरे अनुभव के आधार पर शब्द और काव्य में अंतर ये है, सबसे पहले तो कि शब्द और गीत या भजन या सॉन्ग की एक पावर है कि वो आपके दिमागी एपरेटस को बाईपास कर देता है और एक तरह से वो सीधा आपके दिल और शरीर में उतरता है, वो नाद की खूबी है। आप नाद से वंचित नहीं रह सकते, यू कैन नॉट क्रिएट बाउंड्री एंड से आई विल नॉट, यू कैन शट योर आईज। अगर आपको कोई विजुअल स्टिम्युलस नहीं चाहिए आप आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन इतनी सरलता से कान नहीं बंद होते, क्योंकि वो रिदम वो नाद वो लय आपके शरीर का भाग बन जाता है। तो इट हैज एन इंसिडियस क्वालिटी, वो आपके पूरे बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स पे काम करता है और एक तरह से मुझे लगता है कि आपके दिल और शरीर में प्रवेश करके शब्द ये शक्ति रखता है कि आपके दिमागी जो डिफेंसेस हैं उनको वो डिसमेंटल कर देता है। तब आप सही मायने में तैयार हो जाते हैं उस तत्व उस अर्थ उस उन शब्दों को रिसीव करने के लिए जो कि ये काव्य आपके प्रति कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वेर एज वेन वी रीड पोएट्री मुझे लगता है इट्स नॉट ट्रू दैट उसकी चोट हमें नहीं लगती, ऑफ कोर्स लगती है, लेकिन शायद शुरुआत में वो एक सेरिब्रल एक्सपीरियंस रहता है और फिर कहीं इफ यू आर अवेयर इफ यू अप्रोच अ पोएट्री ऑन द लैंड ऑफ पोएट्री यू एंटर द कंट्री ऑफ पोएट्री एंड यू मीट इट ऑन दोज टर्म्स देन इट हैज दैट इम्पैक्ट। जो मुझे लगता है सॉन्ग या शब्द आपको उस लपेट में ले आता है। तो एक तो ये भेद बहुत क्लियर है कि सॉन्ग इमीडिएटली एक एक्सपीरियंस बन जाता है जो कि आपके दिल दिमाग और शरीर को मोबिलाइज करने की शक्ति रखता है। और दूसरा भेद अब काफी क्लियर है, वो ये कि एक भजन में एक टेक होता है, एक रिफ्रेन, तो इसमें दोहराना इनहेरेंट है, कुछ बातों को दोहराया जाता है बार बार, वो टेक वापस आती है। और संगीत की शैली में तो कुछ शब्दों को लेके भी एक दोहराने का की प्रक्रिया रहती है। तो इट इज नॉट अ लीनियर एक्सपीरियंस नेसेसरिली, देर इज कॉन्स्टेंट रिटर्न टू सम, देर इज अ सर्क्युलैरिटी, देर इज अ रिफ्रेशमेंट, एक तरह से उसमें रिटर्निंग एंड रेपिटिशन का फ्लेवर है। और शायद इसकी वजह से इसका नाम भी दिया गया है भजन, क्योंकि भजना क्या होता है, भजना एक दोहराना होता है, एक याद दिलाना होता है अपने आप को किसी चीज का, किसी सत्य का जिससे आप प्रेरित हैं, इसीलिए आप भजन बार बार गाते हैं। सो सॉन्ग्स बेयर रेपिटिशन, पोएम्स डू नॉट नेसेसरली बेयर रिपीटेड रीडिंग, यू माइट डू इट, लेकिन सॉन्ग या शब्द तो बना ही है बार बार उसको बार बार सत्संग में गाने का, उससे आप थकते नहीं है, क्योंकि एक तरह से आप अपने अंतर मन में इस सत्य को उतारने के लिए वापस हाजिर होते हैं जब आप शब्द कबीर का शब्द गाते हैं। तो एक तरह से ये दिस इज नॉट साहित्य एज मच एज इट इज साधना, इसमें साधना का का नेचर है शब्द परंपरा में। तो आई विल
sing one more song. गोरखनाथ जी का भजन है, वीरा रे शब्द पहचानो हंसा भाव से। मेरे ख्याल से भाव भी शब्द बहुत गूढ़ है और उसमें बहुत मायने हैं और रहस्य हैं। जब हम कोई चीज कहते हैं या कोई कर्म करते हैं, कर्म कर्म में भेद है और शब्द शब्द में भेद है, क्योंकि इसमें आपकी जो छिपी मोटिवेशन है या भाव है जिसके साथ आप एक चीज करते हैं या कहते हैं, उससे उसका असर जमीन आसमान का फर्क ले लेता है। द इम्पैक्ट एंड दिस इज द डिफरेंस दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, कि वो स्कूल टीचर जो गांव में काठपड़ोदा गांव में वही सच बात कह रहे थे, लेकिन इट कैरिड नो कन्विक्शन। लेकिन जब धूली चंद जी वही बात कहते हैं, उसमें एक चोट है, चोट लगती है, क्योंकि उनका भाव अलग है। और मैंने ये शब्द इसलिए भी चुना सुनाने के लिए, क्योंकि ये बात हमें आज की प्रस्तुति के तीसरे सेक्शन पे लाएगी, जो कि है जम। आप देखेंगे इसमें शब्द पहचानने की बात हो रही है और साथ साथ में बात किसकी हो रही है। पोंछा झाड़ी है पलाश का, बिन झाड़े झड़ जाए रे हंसा भाईला हो जी। यानी वो पलाश का पेड़ जो है इतना खूबसूरत, इतना नश्वर, उस पे आपका ध्यान डोरा जा रहा है। शब्द पहचानो हंसा भाव से, धार चूके तो आनी मारे रे, आनी ना मारे तो धार। यानी अगर खंजर के ब्लेड की कोर जो है उसने आपको नहीं काटा तो नोक काट लेगी, क्वाइट डार्क। मतलब या अगर आप नोक से बच गए तो धार आपको ले लेगी, अगर आप धार से बच गए तो नोक। तो फिर कहते हैं, गगन मंडल भाटी उकड़े, कोई पिए महारा संत सुजान। शब्द पहचानो हंसा भाव से। अरे धीरा रे हाँ शब्द पहचानो हंसा भाव से, हाँ शब्द पहचानो हंसा भाव से, अरे रे न रे जुग संसार भावरा भाईला हो जी, अरे रे न रे जुग संसार भावरा भाईला हो जी। अरे भीरा रे झाड़ी है पलाश का, अरे बिन झाड़े झड़ रे जाय भवरा भाईला हो
अरे मीरा रे धर चुके तो आनी मारे रे हाँ धर चुके तो आनी मारे रे अरे आनी ना मारे तो धार मावरा आहिला हो अरे आनी ना मारे तो धार मावरा भाहिला हो अरे वीरा रे गगन मंडल भाटी उखड़े कोई पिए मारा तिर जन हार मावरा भाहिला हो कोई पिए मारा संत सुजान मावरा भाहिला हो अरे वीरा रे दुई का जोड़ गोरख बोले रे अरे पाया है वे कुछ वास मावरा भाहिला हो अरे पिए मारा जनहार मावरा भाहिला हो कोई पिए मारा तिर जनहार मावरा भाहिला हो ओ वीरा रे अरे रेणा रे जुग संसार मावरा भाहिला हो बिन झाड़े झड़ रे जाए मावरा भाहिला हो अरे बिन झाड़े झड़ रे जाए मावरा भाहिला हो तो ये मुझे कबीर जो बार बार अपने शब्दों में जम से भेंट या जम से नाता जम की मार इसकी बात करते हैं बार बार उस बात पर लाते हैं जम नॉट ओनली एज इन डेथ बट एज इन नश्वरता इम्परमनेंस और ये ख्याल मुझे वापस गोधराकांड के उस 2002 के पल में ले जा रहा है क्योंकि मुझे याद ये भी आ रहा है कि जब ये सब दंगों का माहौल बना था और मेरा मन उचाट हो गया था बहुत उदास हो गया था और विचलित हो गया था मेरा मन तो इंटरेस्टिंगली द डे आफ्टर द राइट्स बिगैन आई गॉट जॉन्डिस और मैं 15-20 दिन बिस्तर में पड़ी रही और अभी मुझे वापस पलट के देखती हूँ उस मुकाम को तो मुझे लगता है कि मेरे में जो जॉन्डिस प्रकट हुई वो एक तरह से एक समाज की जो बीमारी थी उस वक्त उसका एक प्रतीक था क्योंकि व्हाट इज जॉन्डिस आपकी आंखों में एक पीलापन छा जाता है और आप जो वास्तविकता है उसको देख नहीं पाते आप लोगों को जॉन्डिस्ट आई से देखते हैं उनकी वास्तविकता के साथ आप नहीं जुड़ पाते उनके आत्मा के साथ आप नहीं जुड़ पाते आप हरदम उनको उसी नजरिए से देखते हैं
तो दैट जॉन्डिस उस स्थिति में मुझे याद है मैं साहिर लुधियानवी के इस फिल्मी गीत को ऑन लूप सुना करती थी, जो कि आज मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि साहिर लुधियानवी के इस फिल्मी गीत में और कबीर जो कह रहे हैं हमसे कोई अंतर नहीं है। बोथ आर सेइंग इट ब्यूटिफुली। मन रे तू काहे ना धीर धरे, क्योंकि मैं बहुत विचलित हो गई थी उस वक्त, तो ये मैं एज अ सॉलिस मैं सुनती थी बार बार लूप पे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे तू काहे ना धीर धरे। तो ये जो हम में एक मानसिक प्रवृत्ति है, इंसान की प्रवृत्ति है कि हम फिक्सिटी चाहते हैं, हम लेबल्स चाहते हैं, हम नाम चाहते हैं, हम चीजों को फिक्स करके उसे ठहराना चाहते हैं। ये साहिर लुधियानवी हमें बहुत ही सुंदर और भावपूर्वक ढंग से पूछ रहे हैं, ए मेरे मन क्यों ये तुम जतन करते हो, इन चीजों को बांधा नहीं जा सकता क्योंकि वो चढ़ रही हैं और ढल रही हैं। कबीर कहते हैं भर्यो होए सो रीत ही, रीतो सो भराए, रीत ही यानी खाली हो रहा है, जो भरा हुआ नजर आ रहा है हमें साथ साथ में वो खाली भी हो रहा है। रीतो सो भराए, और जो एकदम वीरान हमें धरती नजर आती है, कहीं ना कहीं उस धरती के तले कुछ अंकुर फूट रहे हैं, चाहे हमें नजर ना आए अभी, लेकिन हम उस बैरन लैंड को देख के कह देंगे खाली। भर्यो होए सो रीत ही सो भराए, भरो रीतो न जाने ही, अनुभव सो ही कहवाए। तो कबीर हमें कह रहे हैं कि वो ग्रहण करने की शक्ति जो हम में है, जो वास्तविकता को ना ना तो भरा ना रीता समझे, ना हाँ ना ना के बीच ठहराए, पर उसकी एंडलेसली चेंजिंग फॉर्म्स, उसकी चढ़ती ढलती स्वरूप को पहचान पाए, वो सच्चा अनुभव है। और ये है कबीर का जम के साथ नाता। एक तरह से जम उनके लिए सबसे बड़े गुरु हैं, मैं ये मानती हूँ। इम्परमेनेंस इज एट द कोर ऑफ हिज फिलॉसफी। और ये मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि हम विभाजित बहुत करते हैं। हम कहेंगे ये कबीर के मृत्यु के गीत हैं, एग्जिस्टेंशियल सॉन्ग्स, और ये कबीर के सामाजिक आलोचना के गीत हैं, पॉलिटिकल सॉन्ग्स। ये विभाजन गलत है। मुझे लगता है इम्परमेनेंस या डेथ से सही मायने में डेथ का सामना करना इज अ रेडिकल एक्ट। आई वुड कॉल इट द पॉलिटिक्स ऑफ इम्परमेनेंस। दीज आर वेरी पॉलिटिकल सॉन्ग्स। जब कबीर कहते हैं चुन चुन माटी महल बनाया, ना घर तेरा ना घर मेरा, मूरख कह घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, होए जगत में फेरा, खाक में खप जाना रे बंदा, माटी से मिल जाना, नहीं करो अभिमान एक दिन पवन से उड़ जाना। ये एक आपको निराश और एग्जिस्टेंशियल आंक्स्ट में ले जाने वाला भजन नहीं है। दिस इज अ रेडिकल सॉन्ग। दिस इज द सॉन्ग दैट हेल्प्स डिसमेंटल ऑल योर आइडियाज ऑफ सेल्फ एंड अदर। वो अभिमान, वो अहम, कौन इसको ठोकर दे सकता है, केवल जम। और आजकल हम एक बहुत नए खास प्रयोग में जुटे हुए हैं जिसका नाम है शब्दशाला, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब भजन इन लोक गुरुओं द्वारा हम बच्चों तक ले जाएं शालाओं में। और कई लोगों का ये मानना है कि अरे बच्चों को मृत्यु के भजन क्यों सुना रहे हैं हम। गलत बात है, बच्चों को मृत्यु की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आई रियली स्ट्रांगली डिसएग्री। मुझे लगता है कि ये नश्वरता का सामना करना एक कुंजी है जो शब्द को खोल देती है आपके लिए।
this delusion that things are fixed is at the core of all folly, all violence, all divisiveness. Sabhi jhagdon ki aur fasad ki jad mein ye ek moh hai. Wo nirmohi moh na jane jinka moh kare. Vastavikta kisi cheez mein bandhi hui nahi hai. Hum use bandhne ki koshish karte rehte hain, uske saath moh palte rehte hain. To ye बात मुझे लगता है कि अगर आज मैं इन 20 साल के सफर के बाद सोचूं कि कबीर की कौन सी एक तरह से प्रतिमा या इमेज मेरे लिए स्थाई है या एंड्योरिंग है, वो ये इमेज है कबीर की. वो कबीर की जो हमें इस सदैव चढ़ती ढलती वास्तविकता के साथ नाचने को कहते हैं, इसे एक खेल समझने को कहते हैं और उसके द्वारा हमको मुक्त कर देते हैं अपने ही छोटेपन से, अपने ही अभिमान और अहम से, और हमें मुक्त कर देते हैं आसक्तिहीन कर्म करने के लिए. मेरे ख्याल से हम आसक्तियां पालते हैं क्योंकि हमारे में ये माया है, मोह है कि चीजें बांधी जा सकती हैं. जब हम इस माया से मुक्त हो जाएंगे तो वी विल नॉट बी इन अ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंशियल angst. वी विल गेट द एनर्जी टू डू रियल एक्शन, रियल सोशल चेंज, बिकॉज वी विल कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉन अटैचमेंट. तो ये कह के मैं अब पूरा करना चाहूंगी और शायद अंत में केवल एक बात और मैं बांटना चाहूंगी और वो ये है कि मैंने शुरुआत में एक बात रखी थी कि ये देह, ये शरीर एक तरह से स्थल है, घर है, मंदिर है शब्द के लिए. मैं यहां तक कहूंगी कि शब्द खुद एक घर है. किसके लिए? एक सत्य के लिए, जो जिसे जैसे ही आपने उस सत्य को शास्त्र में डाल दिया या कोई पोथी में डाल दिया या उसको नाम दे दिया, वो सत्य कहीं ना कहीं छोटा हो गया, वो आपके हाथ से फिसल गया. तो मुझे लगता है कि ये जो शब्द है, एक भजन, एक सॉन्ग, ये सबसे बेहतरीन घर है इस सत्य के लिए, क्योंकि वो खुद नश्वर है, वो खुद उदय होता है और लीन हो जाता है. कुमार गंधर्व जी कहते थे कि मैं सबसे नश्वर कला का साधक हूं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ सॉन्ग, दैट इट अराइजेज एंड इट्स फेड्स. जिस तरह से कबीर कहते हैं, जो उगे वो आत्मे, जो फूले सो कुमलाए, जो चूने वो दही पड़े, जन्मे सो मरी जाए. तो शब्द को मैंने पर्सनली एक तरह से एक घर की तरह महसूस किया है. दिस इज अ होम आई रिटर्न टू. एक पार्वती बाउल से मैंने एक गान सुना था जिसमें पोएट कह रहे हैं, मौनचोलो निज निकेतन, ऐ मेरे मन बस बहुत हो गया भटकना, अपने निज निकेतन, निज घर में आ जाओ. संसार विदेशे विदेशी रो बेशे भ्रमो कैनो औकारों ने. कवि कह रहे हैं कि ये इस घर के बाहर जो भी तुम्हारा भटकाव है, ये परदेस का है भटकाव, और तुम परदेसी के कपड़े पहन के क्यों भटक रहे हो दर बदर, वापस आ जाओ अपने निज निकेतन. तो एज एन इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
gifts of these journeys for me वो ये था कि मैं इस देश की धरती से जुड़ी बोलियों के घर में वापस अपने आप को पाने लगी. और जब वो हुआ तो तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर इतनी बड़ी खाई थी, इतना खालीपन था जिसका मुझे एहसास भी नहीं था. जब वो भरने लगी तब मुझे एहसास होने लगा कि यस, दिस इज व्हाट आई हैव बीन मिसिंग, दिस रिटर्न टू माय भाषास, एक तरह से इस भूमि से जुड़ी बोलियों में रमने से, इस घर में लौटने से जो एक आत्मा को सीलापन मिला, वो पहले मुझे अंदाजा ही ना नहीं था कि इतना रूखापन है अंतर मन में. और ये शब्द जब मैं गाती हूँ, सुनती हूँ, इनमें रमती हूँ, तो ये घर में आपको परिवार भी तो मिलता है, आपका कुनबा है एक घर में, तो इस शब्द के घर में मैं अपने कुनबे को पाती हूँ. और ये एक वंशावली है, ये मेरे इनमें मुझे एक जुड़ाव महसूस होता है मेरे पूर्वजों के साथ. वो बेनाम, अनजान, फेसलेस सिंगर्स के साथ मैं जुड़ पाती हूँ, मेरे पूर्वजों के जेनरेशंस के साथ मैं जुड़ पाती हूँ जिन्होंने यही शब्द गाया शायद 400 साल पहले और उनके जरिए मुझ तक आया. ये क्या अद्भुत अचंभे वाली बात है कि ये वही भजन है जो शायद कबीर ने लिखा, फिर वो घूमता फिरता अनेक भाषाओं और बोलियों में सफर करता, एक शरीर से दूसरे शरीर में रमता, आज मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है. तो ये मुझे एक तरह से अपनापन और एक आत्मीयता, एक इंटिमेसी, अ सेंस ऑफ बीइंग होम, अपने घर वापस लौटने वाली जो एक फीलिंग होती है, ये मुझे इस शब्द परंपरा की सबसे बड़ी देन है और सबसे बड़ा तोहफा. सो उसके प्रति एक तरह से नम्रता होती है, इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस. तो उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और मैं चाहूंगी कि आपके साथ एक थोड़ा संवाद हो. अब अगर कोई सवाल है आप म्यूट पे हैं कार्तिकेया, माफ कीजिएगा. मन तो नहीं कर रहा है इसको विराम देने का और आगे बढ़ने का, लेकिन समय की पाबंदी है और दस्तूर है. तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं लोगों के. पहले तो अप्रिसिएशन के बहुत सारे कमेंट्स हैं और दूसरा लोग कंप्लेंट बहुत कर रहे हैं कि आप उनके शहर अभी तक नहीं गई हैं. तो जोधपुर से बहुत लोगों ने गुजारिश की है कि आप जोधपुर जाएं और वहाँ पे कोई प्रोग्राम करें. और उज्जैन से गुजारिश आई है, रायबरेली से गुजारिश आई है. अरे तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं. और ये सब न्योते सर आंखों पर, और जब भी मौका मिलेगा मैं कोशिश करूंगा जाने का. थैंक यू. तो ऑडियंस के सवालों की तरफ बढ़ते हैं. तरुण कुमार जी हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि कबीर की प्रासंगिकता अभी और भी बढ़ गई है? धीरे धीरे तो कबीर हिंदी के टेक्स्ट बुक से भी गायब होते जा रहे हैं और कबीर को पढ़ाने वाले शिक्षक भी मुश्किल से मिलेंगे. जी, और मैं इस सवाल के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ और ये जो चिंता व्यक्त हो रही है ये मेरे दिल में भी है. और एक तरह से दिस इज वाई शब्दशाला. कोविड के दौरान हम और कुछ दोस्तों ने मिलके एक संकल्प, एक सपना देखा कि क्यों ना जिन लोक शैली के गुरुओं से हमने ये प्रेरणा पाई है, ये शब्द सीखे हैं, सुने हैं, ये हम बच्चों तक ले जाएं. और मेरे ख्याल से काफ़ी स्कूल्स इसमें रुचि दिखा रहे हैं और ये हमारी तरफ से एक छोटा
कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शब्द सबसे बेहतरीन पेडागॉजी है इस ज्ञान के लिए, ना के पोथी। तो और मुझे कतई खुशी नहीं है ये बात अक्नॉलेज करने में कि ये बातें और भी प्रासंगिक हो गई हैं हमारे आज के माहौल में। और ए जाधव जी का प्रश्न है, जिसका मुझे लगता है आपने कुछ हद तक जवाब दे दिया है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो इतने भेद हैं, इतनी रेखाएं खींची हुई हैं, उसकी वजह से एक निराशा पैदा होती है, एक होपलेसनेस पैदा होती है, तो कबीर किस तरह से हमें एक आशा बांधते हैं हमारे लिए कि चीजें बदलेंगी और परिवर्तन आएगा। मुझे लगता है कि ये पूरी जो फिलॉसफी है, ये जो दर्शन है, ये हमें हर दम हाजिर पल में लाने को कहता है अपने आप को। तो निराशा कब पैदा होती है? जब हम या तो भूतकाल या भविष्य में दौड़ते हैं, क्या होगा उसके डर और खौफ में जीते हैं, या क्या हुआ उसे कोस के या याद करके उसकी याद में जीते हैं। ये है दुखदाई देश। कबीर का देश अमरापुर क्या है? ये पल है। आप केवल इस पल में जाएंगे तो आपको अमर होने का कोई गुंजाइश नजर आएगी। तो मुझे लगता है निराशापन का इलाज केवल ये है कि आप पूरी तरह से अपने रोम रोम को इस पल में ले आए, और इस पल में जो आपको आदर्शवादी कार्य नजर आ रहे हैं, दिल से प्रेम से करते चले जाएं, और इसका कोई इलाज नहीं है। थिंकिंग अबाउट द मैक्रो एंड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर और द पास्ट इज गोइंग टू गेट अस नोवेयर। लेट अस जस्ट अपने आप को इस पल में समर्पित करके पूरी तरह से प्रेम फैलाने के कार्य में जुट जाएं हम, और इन दूरियों को हमसे क्या बनता है उस कार्यों में जुट जाएं हम, बस और क्या हो सकता है। जी, और इसी से जुड़ा हुआ मुझे निकिता गांधी का भी प्रश्न लग रहा है, जो शायद एक कदम पहले का प्रश्न है कि ये जो सफर जिसकी आप बात कर रही हैं, ये सफर जो है त्याग का सफर है और भरोसे का सफर है। इट्स अ जर्नी ऑफ लेटिंग गो एंड फेथ, बट दिस इज ऑल्सो एन इनर जर्नी अबाउट फीलिंग दैट देर इज अ हार्ट स्पेस टू रिटर्न टू, कि हमारे अंतर एक अंतर मन है, इस भरोसे का भी सफर है। तो बहुत खूबसूरत प्रश्न है कि हमें ये भरोसा कैसे हो कि हमारे अंदर एक अंतर मन है जहां हम जा सकते हैं। चख के, इसका और कोई इलाज नहीं है आपको। दरअसल इनफैक्ट आई हैव अंडरस्टूड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम फेथ कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है फेथ, व्हाट फेथ डू यू बिलोंग टू, तो हम कहते हैं हम मुसलमान हैं कि हिंदू। लेकिन फेथ कब पैदा होती है? नॉट बाय सब्सक्राइबिंग टू अ रिलीजियस डॉक्ट्रिन। फेथ तब पैदा होती है जब आप उतरें, व्हेन यू वॉक द टॉक, जब आप किसी प्रायोगिक किसी प्रैक्टिस में उतरें, कर्म की या ध्यान की या भाव की या प्रेम की, कोई भी प्रैक्टिस में आप उतरें, और उसका अगर आपको रस चखने का मौका मिले, और उसकी वजह से आप पे दिल पे जो लादे पत्थर हैं उनका भार अगर आपको हल्का ना महसूस हो, तो प्रॉब्लम। लेकिन
ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, आप किसी साधना किसी प्रैक्टिस में उतरें और आपका वहां से फेथ बनेगा, देन यू विल डेवलप द कॉन्फिडेंस दैट यस दिस पाथ वर्क्स. इसको इस पाथ इस ज्ञान इस सफर के प्रति मेरा जब सरेंडर होता है और उसके मुझे फायदे महसूस होते हैं, मुझे चखने में आते हैं, उसका बदलाव मेरे जीवन में आता है, तब मेरी फेथ बनती है. दैट इज फेथ. दैट कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्चुअली वॉकिंग दिस टॉक. जी. और पपिंदर बॉबी सिंह जी का प्रश्न है जो मुझे तो बहुत सुंदर प्रश्न लग रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा अटपटा लगे, कि आपने अपने जीवन में कबीर जी को किस प्रकार निहारा है. निहारा यानी देखा किस नजर से. जी हाँ. और निहारने में बहुत प्रेम भी होता है ना जब हम निहारते हैं. ये देखने और निहारने में डॉक्यूमेंटेशन और संजोने का ही अंतर लग रहा है मुझे. यस वी आर वेरी राइट. देखते और निहारने में. तो मे बी आई विल रिजॉर्ट टू कबीर दोहा. लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल. तो ये मेरा दावा नहीं है कि मैं लाल हो गई, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बाहर मैं कबीर को निहार रही थी, कुछ कदर उनको अंतर मन में भी पाया. एक तरह से एक गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या होता है, जब आप खुद गुरु बन जाते हैं, उनके तत्व उनके गुण जो आपको आकर्षित करते हैं उनके प्रति, वो आप खुद बन जाते हैं, वो आप में आ जाते हैं, और फिर वो एक एक तरह से वो दैट कनेक्शन छूट जाता है. जब आपने वो एक्सचेंज कर लिया, फिर वो एक रिश्ता, एक बहुत फ्रेजाइल रिश्ता छूट भी जाता है. लेकिन कबीर के साथ एक ये जो रिश्ता बना है 20 साल में, वो अटूट सा बना है और भी गहरा, क्योंकि मैं पा रही हूँ कि दिन ब दिन साल हर साल में और गहराइयों में वो मुझे डीपर वाटर्स, ही इज मेकिंग मी वॉक इनटू डीपर एंड डीपर वाटर्स. तो मेरे ख्याल से ये मेरा जवाब रहेगा इस बहुत सुंदर प्रश्न. जी. और आपका जवाब भी उतना ही खूबसूरत था, क्योंकि ये दोहा जो आपने पढ़ा, ये भी हमारी टॉक का शीर्षक हो सकता था. ये एक ऑप्शन था हमारे पास. yes, मैं चाहता था कि हम इस टॉक को लाली मेरे लाल की कहें, क्योंकि शबनम जी का सफर हमें इस दोहे में, या ये दोहा जो है शबनम जी के सफर को बहुत अच्छे से एनकैप्सुलेट करता है. तो बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी. थैंक यू. आज की शाम के लिए बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपके भजनों से और आपकी बातों से हमें वो रस, उस रस को चखने का मौका मिला जो इतनी आसानी से नहीं मिलता है, खासकर डिजिटल दुनिया में. तो आपके काम के लिए, आपकी फिल्मों के लिए, आपके संगीत के लिए, और आज की शाम के लिए नई धारा की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस मौका को क्रिएट करने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं कुछ बातें आपके बीच ला सकूं. और आई होप फॉर मोर सच इंटरेक्शंस विद नई धारा. थैंक यू. जी. नमस्कार. तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले साल भर से नई धारा एक संवाद श्रृंखला चला रहा है, नई धारा संवाद नाम से, जहां हम हिंदी के समकालीन लेखकों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी रचनाएं सुनते हैं. इस संवाद श्रृंखला के पुराने एपिसोड्स आपको नई धारा के YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, हमारे सोशल मीडिया पर भी आपको ये एपिसोड्स मिलेंगे, और साथ ही बहुत सारी ऐसी नई प्रस्तुतियां जो हम करते हैं
उनकी सूचनाएं आपको वहां मिलेंगी। तो अगर आपने नई धारा के सोशल मीडिया को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कीजिए। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज जुड़ने के लिए, और नई धारा संवाद के एक नए संस्करण के साथ हम जल्दी आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।